सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड? चलिए, उम्मीद रखता हूँ कि सब कुछ सही सही चल रहा है ना. ओके चलिए, तो केमिकल काइनेटिक्स में एक पार्ट आगे बढ़ते हैं. हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो रिएक्शन का रेट होता है, रिएक्शन का जो स्पीड होता है, वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है. पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट के ऊपर. अब दूसरा फैक्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द टेम्परेचर. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ये होता है कि अगर आप उसको गर्म करोगे ना रिएजेंट को, तो रिएक्शन स्पीड में होता है, रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ता है गर्म होने पे. एक दो एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों. जैसे कि अगर आप बात करोगे डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, राइट? ओके, अगर आपने N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन हाफ करना है, क्या करना है, N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन हाफ करना है, मतलब आधा N2O5 आपको डिकम्पोज करना है, राइट? तो अगर आपका रिएक्शन का टेम्परेचर जो 50 डिग्री है ना, तो 12 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा. अगर आप टेम्परेचर डाउन करके 25 डिग्री कर रहे हो, तो फिर वही कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में 5 घंटे लग रहे हैं. ओके, और अगर आपने टेम्परेचर को 0 डिग्री कर दिया, तो फिर वो N2O5 कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में 10 दिन लग जाएंगे, राइट? इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा ना, तो रिएक्शन फटाफट हो रहा है. एक और एग्जाम्पल बच्चों, आप टाइट्रेशन करते हो लैब में, राइट? तो 12th स्टैंडर्ड में आप एक टाइट्रेशन करने वाले हो, दैट इज KMnO4 टाइट्रेटेड अगेंस्ट द ऑक्जेलिक एसिड. और वहाँ पे भी आप ना ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन को गर्म करोगे, क्योंकि गर्म करोगे ना तो रिएक्शन स्पीड में होगा और आपका कलर जो है ना वो जल्दी पकड़ेगा, राइट? तो एक और एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पे, टाइट्रेशन बिटवीन KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर हीटिंग, राइट? ताकि आपका कलर जो है ना वो फटाफट चेंज हो जाए और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े. तो ये दो बेसिक एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. चलिए, अब अगर आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि टेम्परेचर के साथ रिएक्शन का रेट कैसे वेरी होता है, तो वो आप करोगे बाय द आर्हेनियस इक्वेशन. चलिए, ये पूरा थियरी आर्हेनियस के आजू बाजू ही चलने वाला है. चलिए बच्चों, आर्हेनियस इक्वेशन की बात करते हैं. तो ये आर्हेनियस इक्वेशन करेगा क्या? तो इट विल प्रेडिक्ट रेट कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, राइट? तो ये आपको एक रिलेशन देने वाला है बच्चों. चलिए, रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं. रिलेशन है रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू ए इन टू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी. चलिए, इक्वेशन आ गया, राइट? के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी. चलिए, हर एक टर्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं. के क्या है बच्चों? सबसे पहला है के इज अ रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर टी, राइट? व्हाट इज दिस ए? ए इज कॉल्ड एज आर्हेनियस फैक्टर. तीन चार नाम है इसके, या इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसे हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. क्या कहते हैं बच्चों इसको? हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल वाले के आगे है ना, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं हम, ठीक है? सिंपल है. चलिए, व्हाट इज दिस ई ए? ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी. इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी, राइट? ई ए इज व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी. इसका यूनिट होगा बेसिकली किलो जूल पर मोल इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन. बाकी आर तो आप जानते ही हो. ओके, तो आर है आपका गैस कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू यहाँ पे आप या तो जूल में लोगे या तो किलो जूल में लोगे. जूल में लेना है तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, किलो जूल में लेना है तो 10⁻³ कर देना. टी क्या है भाई? टेम्परेचर है. चलिए, तो ये सारे टर्म का डिस्कशन हो गया. ओके, अब समझने की बारी है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसलिए मैंने ये जगह खाली रखा है ना. चलिए, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्टेंट मोलिक्यूल के पास कम से कम मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, राइट? अगर वो मिनिमम एनर्जी है और वो टकराएंगे ना, तो जाके उनके बीच में रिएक्शन होगा और कुछ अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको मिलेगा, और फिर वो इंटरमीडिएट कंपाउंड टूट के प्रोडक्ट बनाएगा, समझिए. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है मिनिमम एनर्जी विथ विच रिएजेंट मोलिक्यूल्स should collide to form activated complex, right?
ओके, रिएक्शन होना है ना, तो उसके लिए रिएजेंट मॉलिक्यूल को टकराना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, और उनके एक दूसरे के साथ टकराने से आपको मिलने वाला है एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों, रिएक्शन बिटवीन H2 प्लस I2, राइट। हमें पता है कि इसके बीच में रिएक्शन से बनता है 2HI। क्या बनता है भाई? रिएक्शन से बनता है 2HI। ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे हो रहा है? तो H2 मतलब ये हो गया आपका H2। सिमिलरली I2, यहाँ पे HH के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे II के बीच में बॉन्ड है। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के साथ कुछ पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लेके टकराना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी मान लो कि 6 जूल है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 6 जूल, और अगर इन दोनों के पास जो टक्कर होने वाला है, टक्कर की एनर्जी अगर 5 जूल है, तो रिएक्शन नहीं होने वाला। टक्कर की एनर्जी कम से कम 6 जूल से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। चलिए तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कलाइड करेंगे विथ एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए इससे क्या होगा, इससे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, समझिए। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, HH के बीच का जो बॉन्ड है ना वो वीक होगा, II के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा, और नया बॉन्ड बनना चालू होगा, दैट इज बिटवीन HNI एंड HNI, एंड दिस इज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या कहोगे इसको आप? इंटरमीडिएट कंपाउंड भी कहोगे, राइट। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड डीकम्पोज होगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए, राइट। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एट द एंड, राइट। चलिए तो ये बॉन्ड पूरा बन गया और ये बन गए आपके प्रोडक्ट, राइट। सो आई होप कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी समझ लिया है ना। एक्टिवेशन मतलब वो मिनिमम एनर्जी जितने एनर्जी के साथ मोलेक्यूल को टकराना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट बनाना है तो, समझ गए इतना। चलिए बच्चों ये जो हमने रिएक्शन किया ना, इस रिएक्शन को हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ऊपर समझते हैं, राइट। एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके। आप इसको कॉपी कर लीजिए क्विकली। चलिए जैसे मैंने कहा, समझते हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ऊपर इसको हम समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। बहुत ही सिंपल सा हम काम करने वाले हैं यहाँ पे, ओके। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे एंड दैट ग्राफ कंटेन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ओके। चलिए स्टार्टिंग में आपके पास रिएजेंट था H2 एंड I2, उनकी एनर्जी कम होगी, राइट। चलो तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग का एनर्जी। लेट्स सी हियर यू हैव द रिएजेंट्स H2 प्लस I2, ओके। अब ये दोनों के बीच में टक्कर होने वाला है, उससे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो अनस्टेबल है, मतलब उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो मान लेते हैं कि सपोज ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ओके। चलिए तो ये आपका दोनों टकराएगा तो उनके पास एनर्जी कम से कम एक्टिवेशन जितना है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आपका वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने वाला है, राइट। जहाँ पे नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। चलिए अब ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो हाईली अनस्टेबल होगा, वो वहाँ से इंटरमीडिएट कंपाउंड डिकम्पोज होगा और आपको मिलना है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जब बनेगा, बॉन्ड टूटने वाले हैं, प्रोडक्ट जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, राइट। ओके, कितना एनर्जी रिलीज होगा वो डिपेंड करता है रिएजेंट एंड प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर, ओके। सपोज मान लीजिए यहाँ से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, ओके। दिस इज योर प्रोडक्ट दैट इज 2HI, है ना। H2 I2 ने जुड़ के प्रोडक्ट बना लिया 2HI, राइट। तो यहाँ पे रिएजेंट और प्रोडक्ट के टोटल एनर्जी के बीच में कितना डिफरेंस है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ग्राफ के अंदर है जो आपको समझनी है, राइट। तो ये रिएजेंट का एनर्जी था और ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा एच, और ये डेल्टा एच बेसिकली डिफाइन करेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है ओवरऑल के एक्सोथर्मिक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये एंडो है कि एक्सो है, तब सिंपल सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा था। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया है मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है, समझे आप बात को। प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएजेंट का एनर्जी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुआ है, मतलब ये रिएक्शन जो है ना वो ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। सो फॉर जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल, अगर ये ऐसे ऊपर होता ना, राइट, तो रिएजेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती। अगर ये पार्ट ऊपर होता तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती, मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रहता, क्योंकि प्रोडक्ट के पास ज़्यादा एनर्जी है। आप सिंपल सा समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अगर, ये एक और पॉइंट समझ लो बच्चों, कि अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया,
तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा हो गया तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ग्राफ से डिसाइड कर सकते हो वेरी इजीली। चलिए इतना समझ लिए। अब सवाल ये है कि मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ, अब ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जब टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होता है ना, कितना 10 डिग्री सेल्सियस, तो रिएक्शन का जो रेट है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट डबल। टेम्परेचर खाली 10 डिग्री बढ़ाओ, इससे रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो समझते हैं ये स्टेटमेंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, रेट ऑफ मोस्ट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री ओनली। खाली टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाओगे ना तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। समझो बच्चों, इफ योर टेम्परेचर इज टी, राइट, तब मान लेते हैं कि रेट कॉन्स्टेंट जो है ना वो के है। अब अगर मैं टेम्परेचर खाली 10 डिग्री प्लस करूँ ना, तो अगर मैं टेम्परेचर को कर देता हूँ टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो रेट कांस्टेंट है ना वो ऑलमोस्ट कितना हो जाता है? डबल हो जाता है, 2K। अब यही समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब यही मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है वो। तो ये इसके पीछे का सारा रीज़न जो है ना वो आपको समझना है एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट से, राइट। तो यहाँ पे आपको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाना पड़ेगा, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। चलिए तो बना देते हैं पहले वो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट। चलिए ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर सारा जो रीजन है वो यहीं पे छुपा हुआ है बच्चों, राइट। तो यहां पे होता है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एनी बाय एनटी। मैं बताऊंगा आपके हर एक टर्म क्या है वो, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां पे होता है आपके पास एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। व्हाट इज एनई? तो एनई जो है ना, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल having energy E, and NT क्या है? NT है total number of molecule। तो इन दोनों का ratio करोगे तो fraction हो जाएगा ना, very simple। दोनों का ratio करोगे तो fraction हो जाएगा, right? चलिए बच्चों, अब ये जब curve को plot कराते हैं ना, let's say we are plotting it at temperature T, right? तो ये जो distribution का graph है ना वो आपको कुछ इस तरह से मिलता है, this is how you are going to get the graph। आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, राइट, ओके। चलिए अब ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रैक्शन मैक्सिमम है। कैसा है बच्चों? फ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये जो आपको एनर्जी दिख रहा है ना, ये वाला एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। सी बेसिकली क्या होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में होंगे, सबके पास सेम एनर्जी होता नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जिनके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास कम एनर्जी होगा। इसीलिए आप देखो बच्चों, ग्राफ जो है वो वेरी कर रहा है, दिख रहा है आपको ग्राफ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, उसके रिलेटेड जो स्पीड है ना, इसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वी मोस्ट प्रोबेबल। क्या कहते हैं इसको? वी मोस्ट प्रोबेबल। एंड लेट्स से वी आर प्लॉटिंग दिस पर्टिकुलर एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, ये जो ब्लैक से बनाया है वो टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये जो फ्रैक्शन है ना, दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन, और सबके पास एनर्जी सेम है, राइट। मान लेते हैं कि ये 50% है या 60% है, राइट, उन सबके पास 50 से 60% मॉलिक्यूल के पास सेम एनर्जी है, जो इतना है, राइट। बाकी मोस्ट प्रोबेबल से कम एनर्जी वाला फ्रैक्शन भी घट रहा है, और मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा वाला फ्रैक्शन भी घट रहा है। ये भी नहीं होगा, ये एनर्जी होगा, एनर्जी है ना, ई मोस्ट प्रोबेबल, राइट। वेलोसिटी भी आता है मोस्ट प्रोबेबल, राइट। देखिए बच्चों ध्यान से, हाँ, मोस्ट प्रोबेबल से कम एनर्जी वाला फ्रैक्शन भी कम है, और मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा एनर्जी वाला फ्रैक्शन भी कम हो रहा है। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पर है। सो लेट अस से कि दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। ये आपका जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा होगा, उनके बीच में रिएक्शन होने वाला है और प्रोडक्ट मिलने वाला है। एक्टिवेशन से कम एनर्जी वाले के बीच में कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है,
तो अभी देखो कितना फ्रैक्शन ऐसा है जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा है, तो दिस इज द एनर्जी मोर देन ई ए एंड राइट नाउ दिस इज द फ्रैक्शन जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा है, मतलब इतने फ्रैक्शन के जो मॉलिक्यूल है ना वही आपको प्रोडक्ट देने वाले हैं एक दूसरे के साथ टक्कर करके, इतना आप समझ लो, इतना आपने समझ लिया राइट। तो आई विल राइट हियर दिस फ्रैक्शन, मैं अभी सब कुछ ब्लैक से लिख रहा हूँ, दिस फ्रैक्शन विल गिव प्रोडक्ट, दिस फ्रैक्शन विल गिव प्रोडक्ट, समझने की कोशिश करना बच्चों इसको, दिस विल गिव यू द प्रोडक्ट राइट। ओके चलिए नाउ व्हाट हैपन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ेगा तो ये ग्राफ का पैटर्न ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, समझना बच्चों, रैंडमनेस बढ़ेगा ना तो ग्राफ का पैटर्न नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अगर मान लो पहले 50% के पास सेम स्पीड था, अब तो रैंडमनेस बढ़ चुका है, मतलब अब 40% या 30% के पास ही वो स्पीड सेम रहेगा, बिकॉज अभी मॉलिक्यूल का मोशन और ज़्यादा रैंडम हो चुका है राइट। और एक और बात आपको पता होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी भी तो बढ़ता ही है राइट, मतलब ये जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है वो कहाँ जाएगा, बढ़ेगा, और ये जो ग्राफ का पीक है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कैसे भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से राइट। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाहता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर दो चीज़ें होगा बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है ना वो बढ़ेगा, बट जो फ्रैक्शन होगा ना कोरेस्पॉन्ड टू मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इट विल डिक्रीज और इट विल रिड्यूस राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी तो बढ़ने ही वाला है, बट रैंडमनेस बढ़ा है तो जो फ्रैक्शन होगा ना जिनके पास सेम सेम एनर्जी है वो फ्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम हो चुका है राइट। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो ये पॉइंट है वो आगे शिफ्ट होगा और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है वो नीचे शिफ्ट होगा, मतलब आपका सपोज ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है, समझ लो। मैं आपको एक एक चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगा, अभी आपका फ्रैक्शन कम हो चुका है और जो एनर्जी है वो बढ़ चुका है एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री राइट, बट एरिया अंडर द कर्व शुड नॉट चेंज बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी, एरिया तो फ्रैक्शन का है और टोटल फ्रैक्शन तो वन ही रहना चाहिए, यस और नो, टोटल फ्रैक्शन कितना होता है, ऑलवेज वन ही होता है, मॉलिक्यूल तो अभी भी इतने ही है जितने पहले थे राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया शुड नॉट चेंज, एरिया अंडर द ग्राफ शुड नॉट चेंज, अब ये कब होगा है ना, ये कब होगा, आपको बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे जो डायरेक्ट ग्राफ बता के एक दो चीज़ें बता देंगे और खेल खत्म, बट मेरे ही आदत है मैं हर एक चीज़ों को बहुत डिटेल में ले जाता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ें कंसेप्ट वाइज क्लियर रहे। चलिए तो अब ये क्या होगा बच्चों, ये आपका ग्राफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अब यहाँ से ग्राफ दबा है, इस पार्ट से ग्राफ दबा है तो डेफिनेटली यहाँ से ग्राफ को उठाना पड़ेगा तो ही तो एरिया कॉन्स्टेंट रहेगा ना, तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ एट द टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस राइट। अब आपको देखो ध्यान से, अब वो फ्रैक्शन फाइंड करो जहाँ पे एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा है, तो ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, आई कैन सी द एंटायर फ्रैक्शन नाउ। अब इतना बड़ा फ्रैक्शन है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा है, तो देखो ये फ्रैक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया, दिख रहा है आपको ये फ्रैक्शन कैसा हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा है वो एनर्जी और वो मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बिकॉज रिएक्शन वही करेंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा है, पहले इतना ही फ्रैक्शन रिएक्शन कर रहा था अब डबल फ्रैक्शन रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा राइट। चलिए तो मैं आखिरी स्टेटमेंट कर देता हूँ है ना, तो आपका आखिरी स्टेटमेंट ये होगा कि विथ 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट डबल, ये कैसा हो गया भाई, ऑलमोस्ट डबल, हैंस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो बिकम डबल, समझ गए। तो ये रीज़न है टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से रिएक्शन के रेट के डबल होने का, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन दिस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए इतना आप, क्लियर एकदम। चलिए अब ये आरहेनियस इक्वेशन जो आपका था ना, उसके एक दो अलग अलग फॉर्म बनाने हैं ताकि आप उसको न्यूमेरिकल में यूज़ कर पाओ। आई होप कि यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर है ना, ओके। और अगर कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, मेरी तरफ से आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा, ओके। चलिए इसको आप फटाफट कॉपी करिए क्विकली।
चलिए, तो क्या था आपका आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन आपका कुछ इस तरह से था। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज आई टोल्ड यू न्यूमेरिकल हम सारे एक साथ में करेंगे, एक ही पार्ट में, है ना। चलिए, तो आर्हेनियस इक्वेशन कुछ इस तरह से था बच्चों, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी। अब हम दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, देर हैज टू बी नेचुरल लॉग बिकॉज यहाँ पे ई पावर है ना, तो नेचुरल लॉग लगाओ। चलिए, ln a इंटू का हो जाता है प्लस ln e रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, दैट इज ln k इज इक्वल टू ln a। चलिए, पावर आगे आएगा माइनस ई ए बाई आर टी, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, ई ए बाई आर टी को मैंने अलग से लिखा है, एंड ln e का वैल्यू होगा 1, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना बच्चों, दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन? तो ये मेरा पहला इक्वेशन है, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ प्लॉट कराओगे, y एक्सिस पे रखो ln k, राइट, x एक्सिस पे रखेंगे 1 बाई टी। इसलिए मैंने पहले से ही ऐसे इक्वेशन बनाया था ताकि आपको क्लियर रहे, x एक्सिस पे रहेगा 1 बाई टी। चलिए बच्चों देखिए, तो ये टच कहाँ करा है, सी मतलब y इंटरसेप्ट, जो ln a है जो पॉजिटिव है, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगा, ओके, तो दैट इज योर ln a वैल्यू, y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, दैट इज ln a वैल्यू, राइट। चलिए, और स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चेक करें, स्लोप इज नेगेटिव माइनस ई ए बाई आर, तो ग्राफ ऐसे नीचे आएगा, इसका स्लोप होगा माइनस ई ए बाई आर। चलिए, अगर यही सेम ग्राफ अगर आपको ln की जगह log के लिए प्लॉट करवाना है तो सिंपल सा काम है बच्चों, ln इज 2.303 log, ये भी होगा 2.303 log, दोनों में से 2.303 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे नीचे आएगा 2.303, क्योंकि इसके पास तो ln है नहीं, तो log के फॉर्म में ये आपका हो जाएगा, log के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई हो जाएगा यहाँ पर 2.303 आर 1 बाई टी। तो यही सेम अगर आप लॉग के लिए प्लॉट कराओगे तो खाली स्लोप बदलेगा, अगर ये ग्राफ लॉग के लिए प्लॉट होगा, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं छोटा सा ग्राफ प्लॉट। चलिए, अगर ये लॉग के वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ है, यू कैन सी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो वाई एक्सिस पे लॉग के, एक्स एक्सिस पे 1 बाई टी, टच करेगा लॉग ए के ऊपर, स्लोप अभी भी नेगेटिव है, नीचे उतर रहा है स्लोप, तो इसका स्लोप होगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर। कई बार एग्जाम में ये स्लोप वाले क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्राफ बनाया इतना स्लोप आया, तो बाकी कांस्टेंट फाइंड करो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है माइनस ई ए बाई 2.303 आर, है ना। होप कि आपको आ जाएगा आराम से, है ना। चलिए, नाउ लेट्स टेक टू डिफरेंट कंडीशन, ओके। चलिए, तो लेट्स से एट टेम्परेचर टी वन, इफ द रेट कॉन्स्टेंट इज के वन, एंड एट टेम्परेचर टी टू, लेट्स से द रेट कॉन्स्टेंट इज के टू। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है। चलिए, तो ये आपका जो आर्हेनियस इक्वेशन है, पहले उसको फर्स्ट कंडीशन के लिए लगाते हैं, K की जगह रखेंगे K1, T की जगह रखेंगे T1, तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर 1 बाई T1। क्या हो जाएगा भाई ये 1 बाई T1। चलिए, इसी तरह से अगर सेकेंड कंडीशन के लिए लगाओगे तो log K2, सी ए एंड ई ए आर कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन, है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ए एंड ई ए जो है वो तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, ठीक है। चलिए, आपके पास दो इक्वेशन बन गए, दो अलग अलग कंडीशन पर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर लॉग ए कट हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका लॉग के वन माइनस लॉग के टू, ये हो जाएगा आपका माइनस ई ए बाई 2.303 आर 1 बाई T1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया प्लस ई ए बाई 2.303 आर 1 बाई T2। आई होप यू कैन सी टिल द कॉर्नर, राइट, देख रहे हो, चलिए इजी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है तो डिवाइड हो जाता है, लॉग K1 बाई K2, इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे ई ए बाई 2.303 आर, क्या कॉमन निकालोगे भाई, ई ए बाई 2.303 आर आपने कॉमन निकाल लिया। चलिए, यहाँ पे माइनस वाला टर्म पीछे जाएगा, प्लस वाला टर्म आगे आ गया, तो ये है आपका आर्हेनियस इक्वेशन जो आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना रहेगा, राइट। न्यूमेरिकल में आपको दो इक्वेशन याद रखने बच्चों, एक इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, राइट, और एक आपको इससे जुड़े हुए भी न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, राइट। चलिए, आप यहाँ पे इतना ध्यान रखोगे कि जो ऊपर होता है ना, K1 ऊपर है तो यहाँ पे इक्वेशन में पीछे आएगा T1, अगर K2 ऊपर होगा तो T2 पीछे आएगा, जो ऊपर है वो पीछे आएगा, इतना आप ध्यान रखना। एक और बात बच्चों, राइट, अपने ने वो जो बोल्ट्जमैन्स कर्व देखा ना, उसके अंदर कुछ फ्रैक्शन था जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा थी, है ना, तो फ्रैक्शन विच हैज एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन, तो वो आपको आर्हेनियस इक्वेशन में कहाँ पर है, तो आर्हेनियस इक्वेशन में वो टर्म है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी
मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये जो टर्म है ना आर्हेनियस में, ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, दिस इज द फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा है, राइट. यही वो फ्रैक्शन है ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, जिनकी एनर्जी जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे है भाई, ज़्यादा है. समझ गए इतना आप लोग, एकदम क्लियर, राइट. तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस और द रेट कॉन्स्टेंट एंड आर्हेनियस इक्वेशन कंप्लीट होता है ना. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके ठीक है, चलिए अभी जब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो इस चैप्टर का एक दो और थियरी हमें करना है, इसके बाद तो न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम. ठीक है, चलिए. अगर आप चैनल पे नए हो क्या करना है आपको पता ही है. ओके चलिए, मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.